नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजी ऑन गेमिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से GTA Vice City गेम में हेलीकॉप्टर को मंगा सकते हैं चीट कोड्स का यूज करके। अगर दोस्तों आप इसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हेलीकॉप्टर के रिगार्डिंग काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप GTA Vice City गेम में 2 हेलीकॉप्टर को मंगा सकते हैं चीट कोड का यूज करके। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। बट दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पे सबसे पहले मिल पाएंगी। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जहां पर भी अपना GTA Vice City गेम इंस्टॉल किया हुआ है उस फोल्डर को आप यहां पे ओपन कर लीजिए, और ओपन करके दोस्तों आप उसे चेक कर लीजिए कि उसमें जो GTA Vice City का जो अल्टीमेट ट्रेनर है वो उसमें है कि नहीं है। अगर दोस्तों इसमें आपके फोल्डर में GTA Vice City का अल्टीमेट ट्रेनर नहीं होता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। यानी कि आपको ये जो लिंक है दोस्तों वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप इसे एक न्यू विंडो में ओपन कर लीजिएगा, यानी कि अपने ब्राउजर में आप इस लिंक को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी मैं दोस्तों इस लिंक को यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ और अभी मैं दोस्तों इसे अपने क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, आप एंटर वाला बटन दबा दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर ये जो लिंक है वो आपके ब्राउजर में इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगी। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो नेम शो रहा होगा एजी ऑन गेमिंग GTA अल्टीमेट ट्रेनर, अभी दोस्तों आपको इस ट्रेनर को डाउनलोड करना है अपने पीसी में। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। ये दोस्तों 300 KB का है तो इसे डाउनलोड होने में सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगेंगे। उसके बाद आप जैसे ही दोस्तों डाउनलोड हो जाता है आप इसे ओपन कर लीजिएगा इसका फोल्डर, और फिर कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर दोस्तों आपके पीसी में विनरार इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने पीसी में विनरार इंस्टॉल कर लीजिएगा, और विनरार इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट फाइल्स यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। आप राइट क्लिक कीजिएगा और आप इस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे आइएगा और यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का बॉक्स आएगा, आप उस पर ओके कर दीजिएगा और फिर आपके सामने इस तरीके का फोल्डर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा GTA Vice City का अल्टीमेट ट्रेनर, और उसके साथ दोस्तों आपको 2 फाइल्स भी मिल जाएंगी। आपको दोस्तों इन तीनों फाइल्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और इन तीनों फाइल्स को कॉपी करने के बाद जहां पर भी दोस्तों आपने अपना GTA Vice City गेम को इंस्टॉल किया हुआ है आप वहां पे इन तीनों फाइल्स को पेस्ट कर दीजिएगा, और अगर आपको रिप्लेस करने के लिए बोलता है तो आप रिप्लेस भी कर दीजिएगा। यहां पर दोस्तों मैंने 2 फाइल्स यहां पे एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं इस विनरार में, क्योंकि दोस्तों आप में से काफी लोगों के पास ये जो 2 फाइल्स हैं वो नहीं होती हैं उनके गेम के फोल्डर के अंदर। तो अभी दोस्तों आपको यह करना है, यहाँ पर अभी आपको डायरेक्टली गेम को ओपन नहीं करना है, अभी आपको करना है GTA Vice City अल्टीमेट ट्रेनर को ओपन। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे GTA Vice City अल्टीमेट ट्रेनर को यहाँ पे ओपन करते हैं, उसके बाद आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सेटअप पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए जो हेलीकॉप्टर का जो चीट कोड है वो आखिर में है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो हेलीकॉप्टर को एक्टिवेट करने का जो चीट कोड है वो यहाँ पर दोस्तों राइट शिफ्ट +3 है, और दोस्तों जो सेकंड वाला जो हेलीकॉप्टर है उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर ये जो चीट कोड है वो है राइट शिफ्ट +5। इन दोनों ही चीट कोड को यूज करके दोस्तों आप अपने GTA Vice City गेम में हेलीकॉप्टर को मंगा सकते हैं। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट वाइस पे क्लिक कर देना है तो आपका ये जो गेम है वो ओपन हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप स्टार्ट वाइस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो गेम है वो ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों आप चाहें तो न्यू गेम खेल सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी भी अपनी सेव्ड गेम को यहाँ पे लोड कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पर दोस्तों मैं न्यू गेम को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे ओपन करेंगे न्यू गेम को तो आप कुछ यहाँ पर आते हैं स्टार्टिंग में गेम की, तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अभी यह करना है अपने कीबोर्ड पर दोस्तों आपको जो एंटर वाली जो की है आपकी उसके नीचे जो शिफ्ट वाला बटन है, यानी कि जो राइट में जो शिफ्ट वाला जो बटन है आपके कीबोर्ड पे आपको उसे प्रेस करना है, और उसको प्रेस करने के साथ आपको 3 वाला बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने दोस्तों ये जो हंटर जो हेलीकॉप्टर है GTA Vice City में वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अभी मैं आपको फिर से इस चीट कोड को एक्टिवेट करके दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों आपको एंटर वाले बटन के नीचे जो शिफ्ट की होती है आपको उसे होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद आपको 3 वाला बटन दबाना है,
तो आपके सामने इस तरीके से जो हंटर हेलीकॉप्टर है वो आ जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। बट अभी दोस्तों मैं आपको जो सेकंड हेलीकॉप्टर है उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसका जो चीट कोड है वो किस तरीके से आपको एक्टिवेट करना है। उसके लिए दोस्तों आपको फिर से जो राइट में जो शिफ्ट की है आपको उसे प्रेस करना है, और उसे प्रेस करने के बाद आपको 5 वाला बटन दबाना है अपने नंबर पैड पे। जैसे दोस्तों आप ऐसा करते हैं जो चीट है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्पैरो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी दोस्तों आप इन दोनों में से किसी भी हेलीकॉप्टर को यहाँ पे उड़ा सकते हैं, बट यहाँ पर दोस्तों जो हंटर हेलीकॉप्टर है वो थोड़ा सा पावरफुल हेलीकॉप्टर है, क्योंकि दोस्तों इसमें मिसाइल्स वगैरह भी लगी हुई है और इसमें दोस्तों आप फायर वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं इससे फ्लाई कर रहा हूँ, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं ये दोस्तों कोई फेक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक रियल हेलीकॉप्टर है। और अगर आप इन सारी स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपको ये जो हेलीकॉप्टर है वो आपको मिल जाएगा और आप इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पे उड़ा पाएंगे। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस हेलीकॉप्टर को किस तरीके से आपको फ्लाई करना है। फ्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यह करना है कि आपको अपने राइट वाले नंबर पैड पे आपको 6 वाला बटन दबाना है, जिससे कि आपका जो हेलीकॉप्टर है वो पीछे की तरफ जाएगा, और अगर आप 9 वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो हेलीकॉप्टर है वो आगे की तरफ जाएगा। और दोस्तों अगर आप क्यू और ई वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो हेलीकॉप्टर है वो लेफ्ट और राइट मूव करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फायर करना चाहते हैं तो आप अपने माउस की जो राइट वाली की होती है उसे प्रेस कर दीजिएगा, तो आपकी यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर में जो फायरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हेलीकॉप्टर में मिसाइल्स वगैरह भी लगी हुई हैं, तो मिसाइल्स को फायर करने के लिए दोस्तों आपको अपने माउस वाले बटन का जो लेफ्ट की होती है आपको उसे प्रेस करना है। तो जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे यहाँ पर जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर फायर हो जाएंगी। अभी दोस्तों हम इस हेलीकॉप्टर को थोड़ा आगे की तरफ लेकर चलते हैं, और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं GTA वाइस सिटी में, सेकंड वाली सिटी में। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और इससे आप तबाही भी मचा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप इन सारी के सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप चीट कोड का यूज करके हेलीकॉप्टर को जरूर अपने गेम में मंगा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जो एक्चुअली में हेलीकॉप्टर को मंगाने के जो चीट कोड है वो है अमेरिकन हेलीकॉप्टर, बट दोस्तों ये जो चीट कोड है वो इस गेम में वर्क नहीं करता है। मुझे नहीं पता दोस्तों कि इस गेम में जो चीट कोड है वो वर्क क्यों नहीं करता है, बट दोस्तों इस चीट कोड को यूज करके आप सिर्फ ये जो हंटर वाला जो हेलीकॉप्टर है उसे ही चीट कोड को यूज करके मंगा सकते हैं, बट दोस्तों वो वर्क नहीं करता है। इसलिए दोस्तों आप ये जो मेथड मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेट ट्रेडर को यूज करने का, आप इसे जरूर यूज कीजिएगा, और इसकी हेल्प से आप GTA वाइस सिटी में जो हेलीकॉप्टर है वो जरूर मंगा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ बढ़िया से टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।